इजराइल गाजा संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि आतंकवाद के सभी कृत्य गैर कानूनी और अनुचित हैं, चाहे वो नैरोबी या वाली हो या मुंबई, न्यूयॉर्क या फिर किबुज बेरी में लोगों को निशाना बनाते हों। गैर कानूनी और अनुचित हैं, चाहे वो ISIS हो या फिर किसी के भी किए गए हो, बोको हराम की ओर से, लश्कर ए तैयबा की ओर से किए गए हो या फिर हमास की ओर से किए गए हो, चाहे पीड़ितों को उनकी आस्था, जातीयता, राष्ट्रीयता या किसी अन्य कारण से निशाना बनाया जा रहा हो, वो सब गैर कानूनी है, अनुचित है। ब्लिंकन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को साथ संघर्ष नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि जंग बढ़े, लेकिन अगर ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं, हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे, हम अपनी सुरक्षा की रक्षा तेजी से और निर्णायक रूप से करेंगे।